अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अब हम शॉपिंग पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी 2-3 दिन तक मेरी सब सिस्टर्स ने आना है, उनके लिए अब हम मार्केट जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं, हम क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं और डिशेस का भी बताएंगे कि कौन कौन सी डिशेस बना रहे हैं। तो अभी मैं और मेरी बेगम जा रहे हैं हम शॉपिंग पे, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है मार्केट में। रास्ते में भी चलते हुए आपको कुछ नज़ारे दिखाएंगे अपने शहर के कि हमारा शहर कैसा है। तो आ जाए बेगम। अच्छा, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपके साथ, तो देखते हैं अभी। अच्छा चले, अब आप भी जाएं बेगम। बस हम जा रही हूं। और ये अब हमारी बेगम साहब भी आ रही हैं, तो रस्ते में भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक है सब? सब ठीक है। चले जी फिर चलते हैं। मैं कैमरा मुझे पड़ा दे। चाबी ली है? चाबी ली तो बस ये हम अपनी सोसाइटी से निकल रहे हैं। आज मौसम भी वैसे बहुत अच्छा है ना। और ये हमारा गेट है, मेन एंट्रेंस गेट, जो एक दरख्तों की वजह से बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। सोसाइटी से निकले हैं तो हमें मिली है फील्ड्स, और साथ ही आ जाता है सियालकोट रोड। और सियालकोट रोड से हम आ गए हैं अब पीपल्स कॉलोनी की रोड, और आ जाते हैं बाहर किधर, मॉल ऑफ गुजरांवाला। इसका मुझे एक्सटीरियर बहुत पसंद है, रात के टाइम और ज़्यादा प्यारा लगता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात के लिखा हुआ है इन्होंने आई लव गुजरांवाला, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फिर साथ ही नहर है जो कि बहुत पुरसकून और शांत है। फिलहाल शायद पानी कम है इस वजह से या क्या है। तो बस अब हम जा रहे हैं दीदी के घर। आपने नहीं लगवाई है? चलो फिर अहमर से लड़ाई कर लिए। तो बस दीदी को प्लांट्स का बहुत शौक है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स उनको बहुत पसंद है। तो नई वैरायटी में कैक्टस भी आए हैं काफ़ी। और ये सईद की बालकनी से व्यू है सामने लॉन का, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस चलते हैं वापस, हम आगे हैं चांदा किला, क्योंकि हमें जाना है इम्तियाज़ पे। जा तो रहे हैं शॉपिंग के लिए, दावत की, देखें जाके ग्रॉसरी निकालने लग गई हूँ, जो कि मुझे फुल चांस लग रही है ग्रॉसरी की। खैर देखते हैं, लेट्स सी। तो ये आगे हैं प्रिंस मॉल, और बस अब तो बस पार्किंग में हम बाइक खड़ी कर लेंगे और फिर चलते हैं इम्तियाज़ पे। टाइम तो काफ़ी हो गया था वैसे इधर आते आते, क्योंकि दीदी घर बैठे बैठे में 2-2.5 घंटे हो गए। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पहली बार मैंने पूरा घर देखा और वो हैरान थी कि मैंने तक घर ही नहीं देखा। 6-7 महीने हो गए शादी को, मैंने कहा जी मैं आती हूँ और बैठ जाती हूँ बस। तो कहते चलो आज सारा घर दिखाती हूँ, किस दिन आपका शेयर करूँ दीदी का घर भी डिटेल में जी। बस शहान आ गए और हम जा रहे हैं ऊपर इम्तियाज़ पे। तो यहाँ पे शहान कार्ड एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि वो पहले वाली कार्ड जो उनकी थोड़ी ख़राब थी। और शहान साहब को तो मैंने कार्ड पकड़ा दिए। अच्छा मसला ये हुआ है कि मैं शूट नहीं कर सकती ज़्यादा जब चीज़ें पिक कर रही थी, बट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें और बेहतरी से लेंगे और शूट करेंगे। क्योंकि ग्रॉसरी में जाती हूँ तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो बस यहाँ से कुछ चीज़ें पिक करूँगी। मुझे समझ ही नहीं आ रही, मुझे कुछ चीज़ें मिल ही नहीं रही थी जो मुझे चाहिए। मतलब मैं बहुत शॉक्ड थी कि इतना बड़ा स्टोर है और एक कॉमन सी चीज़ें नहीं मिल रही थी वहाँ पर मुझे, या मुझे नज़र नहीं आ रही थी। खैर काफ़ी टाइम पर भी हमारा इधर हो गया, अभी हमने कुछ ख़ास लिया नहीं था,
लेकिन टाइम काफ़ी स्पेंड कर दिया इधर भी। ये तो है, जब आप ग्रॉसरी पर जाओ तो ऐसे ही होता है, लेकिन ठीक था ग्रॉसरी हॉल भी। ये ग्रॉसरी हॉल ही बना है, दावत की चीज़ें तो इसमें आ ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं कह रही थी मुझे कुछ लेना, और वो कह रहे थे बस कर दो जो चीज़ लेनी आई वो तुमने एक भी नहीं पकड़ी, और उल्टी सीधी चीज़ें पकड़ी जा रही हो। मेरे साथ ऐसे ही होता है, सोच के कुछ जाती लेके कुछ आती हूँ, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम जाएंगे तब तो वही चीज़ें लेनी है, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए दावत में। और मैं ये ऐसे ही नहीं कैमरा लेके फिर रही, मैं चीज़ें ढूंढ रही हूँ साथ साथ। क्या कह रहे हैं? मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के पहलवान मेरा जो है ना तावला हो जाता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के ना मेरा पहलवान तावला हो जाता है। उन्होंने समय आ गई, ये भी ले रही, ये भी ले रही, ये भी ले रही। तो अभी हम अपने जो दावत की हुई है हमने ईद की अपनी सिस्टर्स की, तो उनकी शॉपिंग के लिए आए हैं, लेकिन आपको घर जाके थोड़ा सा दिखाएंगे। उनकी शॉपिंग से ज़्यादा मैंने घर की ग्रॉसरी कर ली है। क्या हुआ है? यार आप भी ड्राइव हो जाए। नहीं होती गाय पकड़े इसे, मुझे लेने तो दे नहीं। यार पकड़े इसे आप, नहीं जनाब अब मेरे हवाले है। तो बस मैं अम्मी की दवाई लेने के लिए आ गई फार्मेसी पे, और फिर हम चले गए हैं काउंटर पे बिल बनवाने, और यहाँ पे हमारा बिल बन रहा है जो कि 99.9% ग्रॉसरी है घर की, ना कि दावत का कोई सामान है। फिर क्या कर सकते हैं, तो बिल देखते हैं कितना बना है। 11,000 समथिंग का कह रही, निकलवा के लाई थी घर से कि दावत है, दावत है, उसके लिए चीज़ें चाहिए। इसमें तो मुझे कुछ दावत का नहीं लग रहा, तो मैं यही कह रही थी कि ऐसे ही होता है, कहते अब नहीं मैं लेके आना। तो खैर देखते हैं ले कर आते हैं कि नहीं, आना तो है, ये तो हो नहीं सकता कि लेके आए क्योंकि दावत है। तो खैर अच्छा लगा, दिन बहुत अच्छा गुजर गया, और असल में ना मौसम भी बहुत अच्छा था। तो बस अब हम घर चलने की तैयारी करते हैं। इनको ये कि इतना सामान पकड़ लेते, बाइक तो रखना कहाँ होता है, क्या ही कर सकते हैं। ये आ गए बाइक लेके, मैं बाहर वेट कर रही थी इनका। बस अब हम घर की तरफ रवानगी है, और ये हम आ गए हैं अपनी सोसाइटी में। शाम हो गई थी आते आते, मतलब 6:30 बजे का टाइम हो ही गया था घर पहुँचते पहुँचते ना। तो चलें घर जाके आपको मिलते हैं, देखें मैंने क्या ख़रीदा है। इसमें से कुछ भी दावत का नहीं है, साफ घर का सामान है। घर आके कहते हैं तुमने किया धोखा मेरे साथ, मुझे बोल के दावत का सामान लेने जाना है और लेके आई सारी घर की ग्रॉसरी। मैंने कहा कोई नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाल्लाह दावत का सामान ही दिखाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।